लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गंगा मां की शरण में नजर आ रहे हैं। आज हरिद्वार पहुंचे पूर्व मंत्री राहुल यादव ने पंचामृत अभिषेक गंगा पूजन कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया और मां गंगा से कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनाने की मनोकामना की। देखिए, मैं जसपुर से लेकर खटीमा तक और नैनीताल से लेकर भीमताल तक 14 विधानसभाओं में मैंने भ्रमण किया था। लगभग 50 सभाएं की थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में काफ़ी लोगों ने मतदान किया है और मैं गंगा माँ से आशीर्वाद लेने आया हूं कि हमारे हरीश रावत जी की सीट निकलेगी। इनसे प्रार्थना करने आया हूं मैं। अब जो है, अगर आपकी सरकार यहां आती है, केंद्र में सरकार आपकी आती है, तो गंगा के लिए क्या विशेष पहल? अगर गंगा माँ की बात कहें तो गंगा माँ उत्तराखंड की बेटी है जिसको मोदी जी ने धोखा दिया था। गंगा माँ की सफाई नहीं हुई थी और जुमलेबाजियों की सरकार थी। हम उसको नकारने का काम करेंगे और जो चौकीदार चोर है उसको उजागर करने का हमने काम किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी किसानों का कर्जा माफ़ करने की होगी। उसके बाद में डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम संपूर्ण जो भी विकास यहाँ रुके हुए हैं उनको हम पूरा करने का। उनके बाद धरातल की करते हैं तो वो तो हवाई हवाई, हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री चौकीदार ही हवाई हवाई बातें करते हैं। जब अभी तक वही धरातल पर नहीं आए हैं तो वो विकास को कहाँ धरातल पर कर पाएंगे। और यहाँ तो ऐसा महसूस होता है उत्तराखंड में जैसे कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी तक कुछ नहीं कराया है। डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे और जितने भी कार्य रुके हुए हैं हम उनको पूरा कराने का काम करेंगे।